आईआईटी आइसम धनबाद का 40वां दीक्षांत समारोह पेनमेंट सभागार में आयोजित। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी के ओएनजीसी के चेयरमैन शशि शंकर ने शिरकत किया। डिग्री एवं मेडल पाने वाले छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए, जबकि मीडिया से बात करते हुए ओएनजीसी के चेयरमैन शशि शंकर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोइंग फेज में है, ऐसे में इसकी रफ्तार विफलत धीमी है, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ नहीं है। मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर था, क्योंकि जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की 37 साल के बाद हमें यहाँ आने का और इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। इनफैक्ट जब मैं यहाँ आया, इस हॉल में बैठा था, तो जितनी पुरानी यादें थीं, तो जैसे होता है ना फ्लैशबैक में सिनेमा में जैसे आता है, सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दोज मोमेंट्स, द गुड मोमेंट्स आई स्पेंड देयर। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हमने हमारी जर्नी शुरू हुई प्रोफेशनल करियर की, और आज हम जिस मुकाम पे हैं उसमें इस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान। आज आप देश की बड़ी कंपनी महारत्न है, और देश में वर्तमान जो स्थिति है उसके बारे में बताइए, क्योंकि थोड़ा सा इस वक्त में मंदी की बात कही जा रही है, क्या वाकई मंदी है ज़्यादा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुस्ती थोड़ी है? नहीं, जैसा रिपोर्ट आप पढ़ते हैं वैसे रिपोर्ट हम भी पढ़ते हैं, तो अगर आप पिछले रिसेंट ईयर से कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि ग्रोथ कम हुआ है। मंदी का मतलब होता है कि नेगेटिव ग्रोथ, सो नेगेटिव ग्रोथ हैज नॉट टेकन प्लेस, बट जो पेस जिस पेस से जो ग्रोथ हो रहा था दैट हैज स्लोड डाउन। और ये किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में ये बड़ा कॉमन चीज़ होता है कि एक रफ्तार से नहीं आता है, क्योंकि एक बार आपने बेस अगर हाई कर दिया उसके ऊपर उसी रेट से ग्रो करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मेरा मानना है कि ये मंदी नहीं है, बट पेस ऑफ ग्रोथ दैट हैज स्लोड डाउन, बट आई एम वेरी होपफुल द काइंड ऑफ इनिशिएटिव गवर्नमेंट हैज टेकन कमिंग ईयर्स में वी आर अगेन गोइंग टू गेट बैक टू द 7+ ग्रोथ रेट। मतलब उम्मीद है कि जो हम लोग थोड़ा बहुत कमी जो छमाही में इधर हुआ है वो बेहतर हो जाए आने वाले टाइम में। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अगर अपनी कंपनी की बात करें तो कंपनी हमारा अच्छा कर रही है, वी आर ग्रोइंग एट मच फास्टर पेस, हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं हमारे फुटप्रिंट हिंदुस्तान के बाहर भी है। तो मेरा अनुमान है ये एक कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी इस फेज से गुजरती है। उसको डिग्री दिया गया सर, एक सेकेंड सर, अब फिर से बोलना पड़ेगा। 534 स्टूडेंट्स को डिग्री दिया गया है, हमारे जो कुल छात्र उसमें मेडल्स भी दिए गए छात्रों को, जो छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। भाई इस बार हम लोगों ने नया प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल शुरू किया है, जिसका जो हाईएस्ट सीजीपीए था, और ये जब अवार्ड देते हैं तो बहुत हमें गर्व होता है। आपने देखा कि सब हेड्स और सब खड़े हो गए थे जब उन्हें अवार्ड मिल रहा था, और बाकी सब जो मेडल्स था जो डिपार्टमेंट के टॉपर्स थे और डिपार्टमेंट के सेकंड पोजीशन वाले थे उन सबको अवार्ड्स दिए। सर नाम बता दें। राजीव शेखर, डायरेक्टर आईएएस। टोटल कितने डिग्री बांटे टोटल? अभी तो 534, अभी मेरे दो सेशंस और होंगे। इस बार हम लोगों ने इसलिए बदलाव किया, पहले बार क्या होता था पेरेंट्स बैठ नहीं पाते थे, तो इस बार हम लोगों ने तीन सेशन में बांटा है। पहले में जो जेई के थ्रू आए हैं, फिर 3:15 बजे होगा पीएचडी और मास्टर्स डिग्री जो एमटेक नहीं है, और तीसरे सेशन में हो जाएगा ऑल एमटेक डिग्री। तो कुल कितना हो जाएगा टोटल डिग्री? नहीं नहीं, डिग्रीज तो टोटल यहाँ 1100 होगा, लेकिन कुल डिग्रीज तो करीब 1900 के आसपास।